तो आज की वीडियो में आप देखेंगे डीसी पावर सप्लाई जो कि 10 एम्पियर 30 वोल्ट आउटपुट यहां से आप ले सकते हैं। इसको इस प्रकार डिज़ाइन किए हैं कि कोई भी आप इसमें एक बॉक्स ले लें, जो कि ये इलेक्ट्रिक स्विच बॉक्स होता है प्लास्टिक का ऐसे, और इसी पे आप जो है इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें ये स्विच के लिए जो होल बने हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 होल बने थे, जिसमें हमने एक होल को जो है ये कट किया है इस डिस्प्ले के लिए। आपको दिखा दें, ये देखें, पहले इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे एक एडाप्टर सप्लाई है जो कि ये यहाँ पर 19.5 वोल्ट यानी 19 वोल्ट से अधिक है, 19.5 वोल्ट, और ये है 6 एम्पियर का एडाप्टर। इसी से हम इसको सप्लाई देंगे डीसी, ये इनपुट सप्लाई होगी। अभी इसका हम डायग्राम भी बता रहे हैं आगे। देखिए ये यहाँ पे डिस्प्ले शो कर दिया 12.1 वोल्ट, ये आउटपुट है और एम्पियर 0 है। अब ये जो है 12 वोल्ट की सप्लाई कितना एम्पियर यहाँ पे जा रहा है उससे भी हम आपको दिखा दें कि आप किसी भी अगर सर्किट में इसको इन कराएंगे या किसी भी डिवाइस में अगर इसको सप्लाई देंगे तो ये कितना एम्पियर वहाँ मैक्सिमम जाएगा, उसकी सेटिंग भी यहाँ पर होती है, उसे हम दिखाते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर देखें, इसको चेक कैसे करते हैं। देखें ये 5 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है, ठीक। अब ये जो इसकी एम्पियर सेटिंग है, आप इसको ऐसे करके यानी ये जो रेड एलईडी यहाँ पे इंडिकेट किया है, अब इसके बाद आप एक स्क्रू ड्राइवर से इसके एम्पियर को यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं, ऐसे 4 एम्पियर कर दें, चाहे 2 एम्पियर कर दें, चाहे 3 एम्पियर कर दें। देखें यहाँ पे, ठीक। अब ऐसे अगर बढ़ाना चाहें तो ऐसे ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते जाएं, क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते जाएं स्क्रू ड्राइवर, और ये यहाँ पे 5 एक सेकेंड 5 एम्पियर, देखिए 5 एम्पियर करके छोड़ दिए। अब इसके बाद ही हटा लेंगे, एलईडी ग्रीन हो जाएगी। अब ये हमारा रेडी हो गया, ये 12 वोल्ट 5 एम्पियर। अब हमको वोल्टेज सेट करना है, वोल्टेज यहाँ इस कंट्रोल के द्वारा सेट होगा, ये प्रीसेट ऐसे यहाँ पे ऐसे कम कर दें तो ये 10 वोल्ट ऐसे। अब ये 9.9 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे 12 वोल्ट करना हो तो यहाँ पे 12 वोल्ट कर सकते हैं, ऐसे बढ़ाना हो ऐसे बढ़ाते चले जाइए। ये 19 वोल्ट का एडाप्टर है 19.5 का, और मैक्सिमम ये 19.7 आउट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इसे अगर आप इनपुट इसके एडाप्टर के जगह पे 19 वोल्ट के जगह पे अगर 30 वोल्ट देते हैं तो आपका 28 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी सेटिंग जो है, अब मिनिमम यहाँ पर ले चलते हैं, मिनिमम कितने वोल्ट तक जाएगा। मिनिमम ये सप्लाई जो है 1.18 यानी जो कोर की सप्लाई होती है, यहाँ से ये 1.1 वोल्ट से स्टार्ट होके और आप इसकी सप्लाई को जो है मैक्सिमम बढ़ाते चले जाएं तो ये 19 वोल्ट तक ले सकते हैं। वैसे इसका अच्छा रिस्पांस रहेगा, 28 वोल्ट 8 एम्पियर आउटपुट देगा मैक्सिमम, और 30 वोल्ट आपका यहाँ पे इनपुट करना होगा। तो इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी मल्टी सर्किट को चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसका हम दिखाते हैं, ये जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड को अभी हम इसकी सप्लाई निकाल देते हैं और यहाँ पर देखें ऐसे इसको रखेंगे। अभी इसका हम डिटेल आगे आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पे एक बक कन्वर्टर ये है, और ये जो है स्टेप डाउन बक कन्वर्टर ये है, और एक डिस्प्ले है। अब इसका जो कनेक्शन है ये आपको दिखा दें, ये यहाँ पे
यहाँ पे इस टाइप से है। अब इसमें देखिए ये जो हमारा LEM 2596 ये एक बैक कन्वर्टर है जो कि यहाँ पे इस पर इसका जो है मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और ये है ऐसे अगर रखेंगे इसको इस तरीके से तो ये हो गया इसका कनेक्शन। यहाँ पर देखेंगे ये निगेटिव है और यहाँ पर देखेंगे ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव वाली जो सप्लाई है इसकी प्लस वाली, ये यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ जाएगा जो कि यहाँ पर देखेंगे ये सॉकेट है, यहाँ तीन वायर, और तीन वायर का ये जो सॉकेट है ऐसे रहेगा। इस साइड में जहाँ पे वाइट है यहाँ पे ये पीला कलर का लगता है, येलो, ये जो है येलो कलर का, ये वाइट कलर जो इसमें यहाँ पे हमने यूज किया है ये यहाँ सप्लाई पे आउटपुट पे ये येलो कलर का वायर है। इसके बाद बीच में ब्लैक है नेगेटिव और ये है प्लस सप्लाई। यहाँ पे हमने जो है इसको 5 वोल्ट एडजस्ट करके दिया है, और इनपुट यहाँ पे जो यहाँ पे आप इनपुट ये कर रहे हैं, यहाँ जैसे हमने जो है ये 19 वोल्ट इनपुट दिया है, इसे 19.5 वोल्ट 6 एम्पियर एडाप्टर के द्वारा। इन कराया है। अब यही सप्लाई यहाँ से जुड़ जाएगी और जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ पे पहुँच जाएगी और ये भी यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो ये सप्लाई यहाँ भी जो हमारा 19.5 वोल्ट इन होगा। अब यहाँ इस प्रीसेट के द्वारा ये एडजस्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट पहले एडजस्ट कर लीजिए, बाद में इस पे जोड़ना है। ये ऐसा नहीं कि पहले कनेक्शन लगा लें, पहले इसको अलग से यहाँ पे जोड़ के और उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर के द्वारा ये चेक कर लें कि ये यहाँ पे 5 वोल्ट शो कर रहा है, तो उसी हिसाब से जब ये एडजस्ट हो जाए 4.9 वोल्ट तब फिर यहाँ पे कनेक्शन कर दें माइनस और प्लस, और ये येलो कलर वाला जो वायर है ऐसे आएगा यहाँ पे आउटपुट के लाइन से जुड़ जाएगा, जो कि इस तरीके से इसको देखेंगे स्टेप डाउन कन्वर्टर को, तो यहाँ पे ये जो वायर है ये आउटपुट का यहाँ पे, फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ पे जस्ट नेगेटिव इनपुट है, और फिर यहाँ पे बगल में ये पॉजिटिव है प्लस जो कि यहाँ से इन हो रहा, और यही सप्लाई यहाँ पे इन होगी। यानी 30 वोल्ट आप इसको अच्छे सप्लाई बनाने के लिए मैक्सिमम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये 8 एम्पियर तक बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट देगा। ये वैसे 9 एम्पियर तक भी ले सकते हैं, और ये 8 एम्पियर के अगर आप यूज करते हैं किसी जगह पे तो वहाँ पे इसमें जो है कूलिंग फैन लगाना ज़रूरी है इसके साथ में, नहीं तो ये फॉल्ट होने का डर रहता है। एक्यूरेसी के लिए जो एम्पियर शो होता है उसका जो अगर कूलिंग फैन रहेगा तो आपका जो यहाँ पे एम्पियर शो करेगा वो मस्त शो करेगा 8 एम्पियर तक, और अच्छा रिस्पॉन्स देगा अगर फैन इसके साथ ऐड करते हैं तो। अब यहाँ पर देखें जैसे ये कंट्रोलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं इसकी सेटिंग स्क्रू ड्राइवर के द्वारा यहाँ से, और अगर इस कंट्रोल को यूज नहीं करना है तो इसको इस कंट्रोल को ओपन कर दें, इसके जगह पे वायर लगा दें, वायर लगा के और आउटसाइड में टोन कंट्रोल 10K का यूज करके, और इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे वोल्टेज के लिए वायर यूज किया गया है यहाँ जैसे प्रीसेट के नीचे लगा हुआ है, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखेंगे तो ये जो है 2 वायर डायरेक्ट है, तो यहाँ पे हमने 2 वायर डायरेक्ट कर दिया है और फिर एक सिंगल है तो एक सिंगल है, तो ये हो गया हमारा वोल्टेज के लिए यहाँ पे, और फिर जस्ट यहाँ पे तीन वायर निकलेंगे ऐसे 1 2 3 जो कि एम्पियर के लिए होगा, तो ये हो गया एम्पियर के लिए। अब ये आप अपने अनुसार इसकी जो है सेटिंग कर सकते हैं और अपने अनुसार इसे बना सकते हैं, और यहाँ पे हम दिखा दें आपको ये बहुत आसानी से ऐसे इसे फिट कर सकते हैं, और ये जो हमारा बक कन्वर्टर है इसे भी यहीं पे ऐड कर देंगे वो जो डबल लेयर टेप होता है उसके थ्रू, या तो स्क्रू से भी टाइट कर सकते हैं, और यहाँ पर दिखा दें ये जैसे है
ऐसे ऐसे ये डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं और सॉकेट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे यहाँ किनारे रखते हुए वायर ऐसे और अच्छे से इसको सेट कर लें। अभी ये आपका परफेक्ट बन जाएगा। इसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक लगा सकते हैं और टोन कंट्रोल यहाँ भी सेट कर सकते हैं या यहाँ भी सेट कर सकते हैं और यहाँ मार्कर से परमानेंट मार्कर से लिख दें एम्पियर और वोल्टेज, ठीक। और ये पूरा टेप चिपका सकते हैं या इसमें प्लास्टिक का भी आता है, इस समय जो है इसका पूरा लोगो बनवा लें और लोगो बनवाने के बाद पूरा जब इसके ऊपर चिपका देंगे तो ये पूरा एक बोर्ड के तरीके से रेडी हो जाएगा हमारा ये परफेक्ट। और यहाँ पे ये सॉकेट यहाँ पर लगा दें जिससे कोई भी एडाप्टर 12 वोल्ट 19 वोल्ट 24 वोल्ट कोई भी एडाप्टर या डीसी सप्लाई इन कर सकते हैं। और इसके साथ आप इसमें जो है लिथियम सेल भी यूज कर सकते हैं, इसी के थोड़ा सा ये जो इलेक्ट्रिक बॉक्स आता है थोड़ा सा बड़ा करना होगा और यही भी एडजस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जगह है, ये थोड़ा आगे कर दें तो इसमें जो है कुछ सेल बैटरी एडजस्ट हो जाएंगे नॉर्मल काम के लिए। तो इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। और यहाँ कोई भी पीसीबी चेक करने के लिए, मदरबोर्ड चेक करने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस चेक करने के लिए उसे आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर देंगे सप्लाई ऐसे और इस तरीके से, ठीक। अभी ये अगर एम्पियर सेट करना होगा तो ऐसे सेट कर लेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपको ये और दिखा दें, इस तरीके से ये पूरा सर्किट आपका ये ऐसे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा बीच में मिस्टेक ये हो गया कि जो हाथ से मैंने इसका जो आउटपुट का वायर था उसे जो शॉर्ट करके या जो दिखा रहे थे आउटपुट की सप्लाई वो दिख नहीं रहा था। अगर इतने से आपका ये प्रॉब्लम कोई ना करे तो कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो फिर से बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।